सो टाइटल्स वीडियो का थंबनेल तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। हाउ आई मेड 76,000 रुपीज इन ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। टाइटल्स देखो, माय नेम इज अर्चना प्रकाश और मैं बाय प्रोफेशन एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है। पिछले 4 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेड करने का, ठीक है। तो देखो, आज मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो इन द सेंस, आज की जितनी भी मेरी पोजीशंस थी, ठीक है, आज मैंने क्या कुछ प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। अब देखो, 76,338 यहाँ पे मैंने आज के दिन बुक किया है, ठीक है। तो किस तरीके से क्या था आज सब कुछ समझेंगे और ऑप्शन बाइंग में भी कितना अच्छा पैसा हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग में जो है ना कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ जो है कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। कम कैपिटल के साथ में भी आप काम कर सकते हो अगर आप उसको हेज करते हो, ठीक है। तो इस वाले जो चैनल है ना, इस वाले चैनल को मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ कि एक नया ऑप्शन बायर हो ना, चाहे फिर वो मराठी लैंग्वेज वाला हो, हिंदी लैंग्वेज वाला हो, एनीवन कैन अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग बेसिकली किस तरीके से की जाती है। देखो टेरस, ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है अगर हम एक पर्टिकुलर डे का वेट करें, ठीक है। तो आज देखो, सिर्फ और सिर्फ 70,000 का इन्वेस्टमेंट करके मुझे 76,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, अब हम डिस्कस कर लेते। देखो सबसे पहले तो डिसीजन में मैंने ये ट्रेड लिया था, ये क्यों लिया था, तो सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट बता देती हूँ। देखो ये स्पॉट का चार्ट डिसीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको नजर आ रहा होगा 6,000 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरी एंट्री हुई थी, मैंने कल से ये ट्रेड होल्ड करके रखा था, ठीक है। एंट्री जो थी 354 पे हुई थी मेरी, जो कॉल ऑप्शन की, और फिर जो है आज मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया, 663 पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आज प्रॉफिट बुक हुआ है। तो 200 क्वांटिटी में मैंने 309 पॉइंट्स का यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे देखो मैंने पुट बाय किया था, ठीक है, 14,000 के अराउंड मुझे यहाँ पे समथिंग प्रॉफिट हुआ। तो देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस कर लेंगे एनालिसिस, मतलब कल के दिन। और दूसरी चीज़ जो है किस तरीके से आज का ट्रेड प्लान किया था। देखो ट्रेडर्स यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो मार्केट जब भी हवा में ओपन होती है ना, तो वहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट लेने के लिए आना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मार्केट ओपन हुई, फिर यहाँ पे मैंने जो है पुट बाय किया था और यहाँ तक का हमको टारगेट मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 14,000 सुबह बन गए, ठीक है। फिर अब देखो ये इस तरीके से कुछ तो मेरे आज के ट्रेड, ठीक है। तो आपने जो है ऑर्डर बुक देख ली, अब हम एनालिसिस कल के लिए देखते हैं, ठीक है। कल भी तो पैसा कमाना है हमको, ठीक है, वी आर ऑप्शन बायर। तो देखो किस तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं। कल का जो दिन है, बैंक निफ्टी हमारा धुला है, मतलब क्या है, बैंक निफ्टी जो है कल का एक्सपायरी वाला और कल का एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी का होने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का आज मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करती हुई आज क्लोज हो गई, ठीक है। अब लेट से कल के दिन मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुलती है, जैसे कि आज हुई थी, ठीक है। आज कल अगर मार्केट गैप अप खुल दिया ना, तो देखो ध्यान में रखो पीछे ही एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, मार्केट ऑलवेज ट्राई करती है रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करने का। तो हो सकता है कल के दिन जो है ना मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है तो देखो 47,144 ये वो लेवल रहेगा जिसके नीचे हम सीधा ही सेल का एक ट्रेड ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। फिर टारगेट क्या रहेगा, 47,010, 46,880, 46,751, 46,521, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां तक मार्केट आने के चांसेस काफी नजर आ रहे हैं। देखो टेरेस, देखो ध्यान में रखो, जब इतना डोमिनेंस आपको सेलर्स का नजर आ रहा है ना, तो देखो ध्यान में रखो कभी भी ऐसा रैंडमली बाई मत करना, किसी भी सपोर्ट पे मत करना, क्योंकि जब बायर्स यहाँ पर डोमिनेंट हो गए ना, तो फिर देखो इस तरीके से मूव्स आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन 2 दिन से हमको क्या नजर आ रहा है, मार्केट जो है ना सस्टेन नहीं कर पा रही अपर के लेवल पे, ठीक है। कंटिन्यूअसली मार्केट हमको सीधे की मतलब सीधा सेलिंग का प्रेशर दिखा रही है, ठीक है। तो कल के दिन भी हो सकता है यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, मतलब कल के दिन बैंक निफ्टी का सिंपली क्या है, बाय ऑन डिप्स, ठीक है। अगर मार्केट, जैसे कि आपको दिखा देती हूँ मैं, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, और अगर पुल बैक दे रही है, तो इस पुल बैक पे ना हमको सीधा बाय करना है और यहाँ तक के टारगेट लेने। अगर फिर से यहाँ पे पुल बैक आएगा, क्योंकि देखो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे हमेशा पुल बैक तो आता ही है, ठीक है। तो ऐसा पुल बैक आया, फिर इस वाले रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा कल का डे रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी, निफ्टी का देखो बहुत ही सिंपल रखेंगे। अब यहाँ पे जो है ना मार्केट का एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। अब यह है कल के दिन लास्ट, मतलब कल के दिन का, यह आई मीन आज का दिन, यह है हाई, ठीक है, और यह है लो। अब कल के दिन लेट से मार्केट, ठीक है, इन बिटवीन खुलती है, मतलब आज के हाई एंड लो के इन बिटवीन मार्केट अगर ओपन होती है, तो देखो ध्यान में रखना ये पूरा का पूरा ना नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो ये जो है ना पूरा का पूरा ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हमको कुछ ट्रेड नहीं करना, क्योंकि देखो इन बिटवीन अगर ट्रेड करेंगे, देखो जैसे कि पीछे देखो यहाँ पे अगर मार्केट खुली, तो देखो यहाँ से बाइंग आ गई, फिर से यहाँ पे सेलिंग आ गई, तो ये ऐसा जोन है ना जहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक लेवल पे वेट करेंगे, लेट से कल के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल गई, तो देखो गैप अप खुलेगी ना, तो यहाँ पे फिर से हमको एक रिकवरी दिखा सकता है, ठीक है। तो देखो
20,946 के अगर मार्केट नीचे सस्टेन करने लगता है तो 20,862, ठीक है, ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट। 20,800 ये रहेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनदर फिर से लेवल की। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट एग्रेसिवली आ गया ना तो देखो, बट ऑब्वियसली 20,853 जो लेवल है ना, मतलब 860 के अराउंड ये वाला जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो पिछली बार में कितना अच्छे से डिफेंड किया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो बट ऑब्वियसली जब सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट जैसा एक्ट जरूर करेगा। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट फॉल कर दिया ना तो फिर यहाँ से थोड़ा तो पुलबैक देगी मार्केट, लेकिन इस वाले पुलबैक को देख के हमको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी जो है डोमिनेंस सेलर का दिखना शुरू हो चुका है मार्केट में, तो यहाँ पे रैंडमनेस हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी ये वाला जो सपोर्ट है ना मल्टीपल टाइम बहुत ज्यादा टेस्ट हो चुका है, तो हो सकता है कल के दिन मार्केट अगर गैप अप भी खुलती है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और नेक्स्ट टारगेट फिर ये फ्लो में हमको ये भी दे देगा। अब लेट्स से कल के दिन मार्केट बड़ी गैप डाउन ही खुल जाती है, मतलब ये वाले लेवल्स के आसपास, तो फिर क्या करोगे यहाँ पे ना, ये वाला जो सपोर्ट था ना फिर ये एक्ट करना लग जाएगा एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस। तो फिर ना 20,853 ये वो लेवल रहेगा जिसके ऊपर मतलब आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन ये अगर लेवल ब्रेक कर देता है फिर आप 20,800 ये फर्स्ट टारगेट रखोगे, 20,743 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। टेरेस देखो मैं डेली जो अपडेट होते हैं ना टेलीग्राम पर डालती हूँ, ठीक है। आप अदर देन दैट मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मतलब फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। जितने भी मेरे मतलब स्टूडेंट है या फिर जिसको भी कुछ क्वेरी होती है ना लाइव मार्केट के अंदर, वो मुझे सीधा डीएम कर सकता है और उनको जो है मैं आंसर बहुत इमीडिएटली करती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी जो है कंसिस्टेंटली देख सकते हो, वहाँ पे मैं अपने ट्रेड शेयर कर दी हूँ, ठीक है। ट्रेड के पीछे की जो साइकोलॉजी है, क्यों ये ट्रेड लिया, ये सब मैं टेलीग्राम में भी बता दी हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इन दोनों का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में जो है ना मैं इन दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी कुछ डाउट हो या फिर कुछ आपको ट्रेड में एक दिक्कत आ रही हो या फिर मेरा व्यू क्या बन रहा है मार्केट लाइव मार्केट में, तो ठीक है आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आई डेफिनेटली हेल्प यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।